What does the graph say? Good morning, friends. Welcome once again to Nifty and Bank Nifty analysis from tradingfab.in. आज 27 दिसंबर 2019 फ्राइडे है, सुबह के 8:16 हो रहे हैं। फ्राइडे है, हफ्ते का लास्ट ट्रेडिंग सेशन है, तो बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस करेंगे। आने वाले वीक में कहां पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद आज के लिए निफ्टी के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो सबसे पहले कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करते हैं। ये कल का पिक्चर है, यानी 26 दिसंबर आफ्टर मार्केट आरएस ये पिक्चर लिया हुआ है। अगर आपने हमारा कल का वीडियो नहीं देखा है, अगर देखना है तो यहाँ पर ऊपर आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 12,264 और ब्रेक डाउन लेवल बन रहा था 12,200। तो जैसे कि आप देख रहे हैं 10 मिनट का निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है। निफ्टी इंडेक्स ओपन होने के बाद इसने कोशिश की ब्रेक डाउन लेवल को ब्रेक करने की, फर्स्ट अटेम्प्ट में ये फेल हुआ। थोड़ा सा यहाँ पर शुरू में कंसोलिडेशन फेस था, और जैसे ही ब्रेकडाउन लेवल को इसने ब्रेक किया तो उसके बाद इसने हमारा फर्स्ट टारगेट 12,182 जो कि पिवट पॉइंट का S1 का लेवल था ये अचीव किया। काफी देर तक इस लेवल को पेनेट्रेट कर रहा था। ये लेवल भी ब्रेक होने के बाद हमारा सेकेंड टारगेट 12,163 ये भी यहाँ पर अचीव हुआ, और एग्जैक्ट इसी लेवल के पास इसने कुछ देर तक एक पॉज लिया और इसको भी ब्रेक करने के बाद ये टूवर्ड्स और साउथ की तरफ मूव हुआ। तो काफी एक्यूरेट लेवल ये कल के साबित हुए थे, और कल के प्लान के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते तो अराउंड 28 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था, और 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 21,000 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। तो ये था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। ग्लोबल मार्केट्स के भी हालात देख लेते हैं क्विकली। कल अमेरिकी बाजार डाउ जोन्स नासडैक हरे निशान में बंद हुए। यूरोपियन मार्केट्स भी देखे तो हल्की सी बढ़त के साथ वहां पर कारोबार होता हुआ दिखाई दिया, और आज जब एशियाई मार्केट ओपन हो चुके हैं तो जापानीज इंडेक्स में थोड़ा सा प्रेशर दिखाई दे रहा है। हालांकि चाइना मार्केट और हांगकांग मार्केट इस समय तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। डाउ फ्यूचर देखे तो 54 पॉइंट की बढ़त इस समय दिखा रहा है, तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं। चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर, उसके बाद में निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। पहले बैंक निफ्टी को देख लेते हैं, वीकली चार्ट से शुरू करेंगे। यह है निफ्टी इंडेक्स का वीकली चार्ट, बैंक निफ्टी इंडेक्स का। यहाँ पर स्ट्रक्चर बुलिश बना हुआ है, शॉर्ट टर्म मिड टर्म लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर यह बैंक निफ्टी इंडेक्स ट्रेड हो रहा है। अगर कैंडल स्टिक की बात करें तो ये लास्ट वीक का कैंडल कुछ हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक जैसे बना था, लेकिन अभी तक इसका कंफर्मेशन नहीं मिला है। कंफर्मेशन के लिए इसे ये जो लो है प्रीवियस वीक का इसको ब्रेक करना होगा, और यहाँ पर बियरिश कैंडल स्टिक अगर फॉर्म होता है तो ये हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक हमें यहाँ पर कन्फर्मेशन दे सकता है कि यहाँ से एक जबरदस्त करेक्शन आ सकता है। ऊपर की तरफ अगर ये मूव करता है, ऑल टाइम हाई को लेवल को ब्रेक करता है, तो ऊपर तो अनचार्टेड एरिया है, तो ऊपर कहाँ पर ये जा सकता है ये प्रोजेक्ट करने के लिए हम फिबोनाची एक्सटेंशन टूल को यूज कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक थोड़ा करेक्शन आ रहा है, तो अगर ये करेक्शन और गहराता है तो कहाँ पर सपोर्ट के लेवल्स आ सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे। इसके लिए लाइन चार्ट में हम अगर इसे कन्वर्ट कर दे तो सबसे पहले तो ये सपोर्ट आएगा यहाँ पर जो 31,921 के पास है, ये स्विंग हाई यहाँ पर बना हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट है, ये नेक्स्ट सपोर्ट है जहाँ पर इसने सपोर्ट लिया था लास्ट टाइम, वहाँ पर ही इसने रेजिस्टेंस फेस किया था और पास्ट में यहाँ पर डबल टॉप फॉर्मेशन बनाया था। तो 31,300 के पास नेक्स्ट सपोर्ट होगा अगर 31,900 को ब्रेक करता है तो। तो ये एज पर लॉन्ग टाइम फ्रेम के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, लॉन्ग टाइम फ्रेम यानी वीकली चार्ट, काफी लॉन्ग टाइम फ्रेम है। इंट्राडे के लिए आपको 60 मिनट का चार्ट देखना होगा या फिर डेली चार्ट को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। और एक बात है वीकली चार्ट में, अगर आप इसे ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर कुछ डाइवर्जेंस दिखाई दे रहे हैं, RSI वर्सेस प्राइस एक्शन। ये देखिए यहाँ पर ये अभी यहाँ पर हायर हाईज क्रिएट कर रहा है, और ये RSI यहाँ पर अभी फ्लैट है, ऑलमोस्ट फ्लैट है, यहाँ पर हायर हाईज नहीं बन रहे RSI में। अगर पास्ट में देखें यहाँ पर प्राइस एक्शन ने देखे कैसे हायर हाईज क्रिएट किए थे, लेकिन RSI लोअर हाईज क्रिएट कर रहा था ये यहाँ पर ऐसे। तो हमें RSI सबसे पहले इंडिकेशन देता है कि यहाँ से एक करेक्शन आ सकता है अगर ये डाइवर्जेंस निगेटिव आ रहे तो। आप देख सकते हैं बाद में कैसे निफ्टी बैंक निफ्टी इंडेक्स में एक करेक्शन आया काफ़ी बड़ा,
तो ये जो डाइवर्जेंस है ये हमें पहले ही सिग्नल देते हैं। अभी फिलहाल आरएसआई में ये डबल टॉप फॉर्मेशन बन रहा है, कंफर्मेशन नहीं है। अगर ये इसके नेक लाइन को यहाँ पर ब्रेक करता है कंफर्टेबली और ये एवरेज लाइन के नीचे चला जाता है तो यहाँ पर और भी सेकेंड कन्फर्मेशन मिलेगा हमें कि यहाँ से और करेक्शन हमें बैंक निफ्टी इंडेक्स में दिखाई देता है। ये प्रोबेबिलिटी है, ऐसा ही होगा ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये सिग्नल मिल रहा है हमें कि यहाँ पर करेक्शन आ सकता है। ऊपर तो अनचार्टेड एरिया है, अगर ये ऑल टाइम हाई को ब्रेक करता है तो और निफ्टी इंडेक्स ऊपर की तरफ बढ़ सकता है। तो ये एक सिग्नल मिल रहा है आरएसआई थ्रू कि यहाँ पर निगेटिव डाइवर्जेंस हमें देखने को मिल रहा है। तो ये था वीकली चार्ट का सिनारियो इस समय बैंक निफ्टी का। डेली चार्ट पर चलते हैं, ये डेली चार्ट बैंक निफ्टी का। अगर यहाँ पर हमने ये लास्ट स्विंग लो पकड़ के यहाँ पर, एक मिनट में ये लाइंस को डिलीट कर देता हूँ, फिर से यहाँ पर मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये लो, ये हाई और ये लो। तो यहाँ पर जैसे कि हमने फिबोनाची एक्सटेंशन टूल ड्रॉ किया था आने वाले लेवल्स को प्रोजेक्ट करने के लिए, तो 76.4 के पास यानी 32,385 के पास ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है एग्जैक्ट इसी लेवल के पास। दो दिन इसने कोशिश की इस लेवल को भी ब्रेक होने की लेकिन इसके ऊपर क्लोज नहीं हो पाया। तो अभी ये यहाँ से करेक्शन दिखा रहा है। तो फर्स्ट सपोर्ट तो 31,900 के पास होगा, ये हमने वीकली चार्ट में देखा कि कैसे वहाँ पर स्विंग हाई आ रहा था लास्ट का। तो यहाँ पर 31,900 फर्स्ट सपोर्ट होगा, उसके बाद 20 ए में भी ऑलमोस्ट 31,850 के पास आ रहा है। तो 850 to 900 ये एक सपोर्ट लेवल है, अगर ये भी ब्रेक करता है तो यहाँ पर पास्ट में एक गैप क्रिएट हुआ था, ये देखिए यहाँ पर। तो इस गैप का ये जो इनिशियल पॉइंट है ये यहाँ पर यानी ऑलमोस्ट 31,776 के पास, ये यहाँ पर नेक्स्ट सपोर्ट का काम कर सकता है एज पर डेली चार्ट। तो अगर ये इस लेवल 76.4 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ही हमें आने वाले दिनों में 32,800 का लेवल दिखाई दे सकता है। तो अगर करेक्शन आता है तो ये हमारे सपोर्ट लेवल्स होंगे एज पर डेली और वीकली चार्ट बैंक निफ्टी के लिए। तो इसके अकॉर्डिंग आप आने वाले वीक में अपने बैंक निफ्टी के लिए पोजिशंस बना सकते हैं। तो ये था बैंक निफ्टी का एनालिसिस, चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट से शुरू करेंगे। यह निफ्टी का वीकली चार्ट, यहाँ पर आप देख सकते हैं 12,240 का इसने लेवल अचीव किया और अभी ये छोटा यहाँ पर करेक्शन दिखा रहा है, लेकिन अभी तक इसने प्रीवियस वीक का ना तो हाई ब्रेक किया है ना ही लो ब्रेक किया, यानी यहाँ पर इनसाइड बार ट्रेडिंग चल रहा है, स्ट्रक्चर बुलिश है। जब तक ये प्रीवियस वीक के लो को ब्रेक नहीं करता और लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन है यहाँ पर हमें नहीं दिखता तो यहाँ से और भी करेक्शन गहरा सकता है, इसका हमें कंफर्मेशन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले सपोर्ट अभी 12,084 के पास है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं इसे लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दूँ तो ये देखिए स्विंग हाई यहाँ पर ही ऑलमोस्ट 12,060 के पास बना था। तो यहाँ पर ये फर्स्ट सपोर्ट है और इसके बाद ये जो सेम बैंक निफ्टी जैसा यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जहाँ पर इसने सपोर्ट लेके बाउंस बैक दिखाया था, यहाँ पर ही इसने पास्ट में एग्जैक्ट रेजिस्टेंस फेस किया था। तो 11,920 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, अगर 12,080-50 अगर ब्रेक होता है तो 11,920 तक निफ्टी इंडेक्स हमें यहाँ से मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है। 12,250 के ऊपर अगर आज क्लोज होता है अगर यहाँ पर क्लोज तो हमें आने वाले दिनों में और भी निफ्टी इंडेक्स टूवर्ड्स ऊपर की तरफ मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो यह वीकली चार्ट का सिनारियो, डेली चार्ट पर चलते हैं। यह है निफ्टी का डेली चार्ट। डेली चार्ट में अगर यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर भी हमने फिबोनाची एक्सटेंशन टूल को यूज किया था ये स्विंग लो हाई और ये लो को पकड़ के, तो यहाँ पर इसने एग्जैक्ट 123.6 का ये जो लेवल है यहाँ पर इसने एग्जैक्ट रेजिस्टेंस फेस किया है और अभी यहाँ से बार करेक्शन दिखा रहा है। यहाँ पर कुछ इवनिंग स्टार दोजी कैंडल पैटर्न यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो अगर ये करेक्शन और भी यहाँ से गहरा था तो फर्स्ट 20 ईएमए का ये सपोर्ट यहाँ पर होगा जो कि 12,090 के पास है। हमने वीकली चार्ट में देखा कि यहाँ पर भी स्विंग हाई बन रहा था और उसके बाद अगर ये ब्रेक करता है तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा 12,000 का, जहाँ पर हमने पास्ट में देखा था, ये देखिए
कंटिन्यू यहाँ पर एक हर्डल बना हुआ था 12,000 का साइकोलॉजिकल बैरियर है, तो 12,030 के पास एक स्ट्रांग सपोर्ट इस समय है। अगर निफ्टी इंडेक्स यहाँ से और करेक्शन यहाँ से गहराता है तो 12,000 के पास एक स्ट्रांग सपोर्ट होगा, अगर वो ब्रेक करता है तो एक शार्प फॉल निफ्टी में आ सकता है। लेकिन फिलहाल जैसे वीकली और डेली चार्ट को देख रहे हैं, स्ट्रक्चर जो बना हुआ है वो बुलिश है। ये हर एक अपसाइड, हर एक नए लेवल पे यहाँ पर करेक्शन आना लाजमी है। तो जब भी निफ्टी में करेक्शन आता है और फिर से स्विंग लो क्रिएट करता है तो चांसेस होते हैं कि निफ्टी में फिर से एक बार हमें नए हाईज देखने को मिल सकते हैं। तो ये वीकली और डेली चार्ट का एनालिसिस निफ्टी का। चलते 60 मिनट के चार्ट में आज के लिए इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। निफ्टी इंडेक्स अगर ये कल का लो यानी 12,117 को अगर ये ब्रेक करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। तो इसको हम मार्क कर देते हैं, ये हमारा आज के लिए होगा हम ब्रेक डाउन लेवल। इसे कलर कर दिया रेड, स्टाइल चेंज कर दिया और यहाँ पर हमने इसे मार्क कर दिया ब्रेक डाउन लेवल। ये हमारा ब्रेकडाउन लेवल, और अगर टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ अगर ये बढ़ता है तो पहला तो हर्डल होगा 100 ईएमए का, ये 100 ईएमए, उसके बाद पिवट पॉइंट का लेवल है। तो ये जो पिवट पॉइंट का लेवल है यहाँ पर आप देख सकते हैं, छोटा सा इसने पॉज लिया था यहाँ पर पास्ट में, तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है पिवट पॉइंट के पास 12,155 के पास। तो इसे अगर ब्रेक कर देता है तो ये हम इंट्राडे के लिए यहाँ पर बाय पोजिशन बना सकते हैं। इसे हम मार्क कर देते हैं ग्रीन कलर में, स्टाइल इसका चेंज कर देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं ब्रेकआउट लेवल। ये हमारा होगा ब्रेकआउट लेवल, ठीक है। तो अगर इस लेवल के ऊपर अगर ये निफ्टी सस्टेन करता है 12,155 के ऊपर तो हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ पर होगा 12,173, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ओपन होने के बाद टूवर्ड्स नीचे आया और हैमर बन के यहाँ पर एक सपोर्ट लेके ये बाउंस बैक हुआ था, तो जो सपोर्ट का काम कर सकता है वो अभी रेजिस्टेंस का यहाँ पर काम कर सकता है। तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकेंड टारगेट होगा पिवट पॉइंट का आर वन का लेवल जो कि 12,192 के पास है, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और ब्रेक डाउन लेवल को अगर ब्रेक करता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ पर बनेगा 12,100। आप देख सकते हैं यहाँ पर पास्ट में इसने एग्जैक्ट यहाँ पर ऊपर आते वक्त दो बार इसने रेजिस्टेंस फेस किया था 12,100 के पास, तो ये हमारा फर्स्ट यहाँ पर टारगेट होगा अगर ब्रेक डाउन लेवल को ब्रेक करता है तो। और उसके बाद हमारा सेकेंड टारगेट होगा यहाँ पर 12,082, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये है निफ्टी के लिए आज के लिए इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आपके दोस्तों के साथ इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।